मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप लोग स्टडी करने जा रहे हैं सॉल्यूशन के टाइप्स और ये हमारी जो क्लास है ये है इंग्लिश मीडियम 9। ओके, तो सॉल्यूशन किसे कहते हैं पहले हम इस चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे। वह एलिमेंट जो किसी फिक्स क्वांटिटी में एक दूसरे के साथ मिक्स किए जाए और वे आपस में केमिकल रिएक्शन कर लें, सॉल्यूशन क्या है? जैसे जब हम पानी के अंदर रेत को डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, रेत थोड़ी देर के बाद नीचे स्कैटर्ड होना शुरू हो जाए, तो वो मिक्सचर की पहचान। और जैसे हम कोई मेडिसिन देखते हैं, सिरप वगैरह होता है, तो उसमें जितने पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे नहीं बैठते हैं, ऐसे के ऐसे ही डिसॉल्व रहते हैं, क्योंकि वो सॉल्यूशन फॉर्म में है और उन्होंने आपस में केमिकल रिएक्शन की हुई है। सॉल्यूशन क्लियर हो गया। अब है हमारे पास सबसे पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का एग्जांपल हम आपको देना चाहेंगे जो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। हमने किसी बर्तन में पानी लिया, वाटर, और उसमें शुगर ली और डिसॉल्व कर दी, एक चम्मच चीनी ली और उसे घोल दिया। उसे घोलने में कुछ समय लगा, हमने माना कि उसे घोलने में 30 सेकंड लगे, ठीक। जब वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गई, हमने उतनी ही क्वांटिटी में एक चम्मच शुगर और ली और फिर उसी सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करना शुरू कर दिया, तो हमने देखा कि पहले वाली शुगर थोड़े से कम समय में डिसॉल्व हुई थी और बाद वाली शुगर जो है उससे कुछ ज़्यादा समय में डिसॉल्व हो गई। सपोज डेट पहले वाली शुगर जो है 30 सेकेंड में डिसॉल्व हो गई थी, तो बाद वाली शुगर को थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाएगा, 35 सेकेंड से भी लग सकते हैं, 40 सेकेंड से भी लग सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल। अब जब वो पूरी तरीके से दूसरा सेकेंड स्पून भी उसमें डिसॉल्व हो गया, तो हमने थर्ड स्पून ऑफ शुगर लिया और उसमें मिक्स करने के बाद उसे डिसॉल्व करना शुरू कर दिया। तो अब ये वाली शुगर को जो है पहले वाली दोनों शुगरों से ज़्यादा टाइम लगेगा डिसॉल्यूशन, ठीक है, ये प्रोसीजर चलता रहेगा। लेकिन एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि सेम टेम्परेचर पर, इट मीन्स बिना इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर, हम उसमें और उससे ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ शुगर को डिसॉल्व नहीं कर सकते, और डाल भी दें तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। एक ऐसी स्टेज आ जानी कि उससे ज़्यादा सॉल्यूट को उसके अंदर उस सेम टेम्परेचर पर डिसॉल्व नहीं किया जा सकता हो, तो वो सॉल्यूशन कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि इससे ज़्यादा इसमें और ज़्यादा डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है कि जितना उसमें डिसॉल्व हुआ हुआ है तो और ज़्यादा भी उसमें हम डाल देंगे तो वो भी डिसॉल्व हो जाएगा। मतलब अभी उसमें, उस सॉल्यूशन में और ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स को अपने अंदर डिसॉल्व करने की कैपेसिटी है, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, और ज़्यादा पार्टिकल्स को अपने, सॉल्यूट पार्टिकल्स को अपने अंदर डिसॉल्व करने की कैपेसिटी नहीं होती है। तो ये दोनों टाइप के सॉल्यूशन हमारे क्लियर हो गए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सबसे पहला टॉपिक हमने जो एक्सप्लेन किया वो था सॉल्यूशन किसे कहते हैं, उसके बाद था सैचुरेटेड सॉल्यूशन, बाद में था अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स के और ज़्यादा क्वांटिटी को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, जबकि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में तो और पार्टिकल्स को, सॉल्यूट पार्टिकल्स को अपने अंदर डिसॉल्व करने की टेंडेंसी बाकी रहती है। ए सॉल्यूशन दैट कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होती, मतलब इससे ज़्यादा और डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, दैट द सॉल्वेंट कैन डिसॉल्व एट द गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर में विदाउट इंक्रीमेंट इन द टेम्परेचर। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज ए केमिकल सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज लोअर देन द इट्स इक्विलिब्रियम सॉल्युबिलिटी, इसकी सबसे ज़्यादा डिसॉल्व करने की कैपेसिटी जो होती है उससे थोड़ा सा कम होता है, कितना भी कम होता है कम।